लिया भैया, बारह बारह क्वेश्चन मैंने वन में घोड़ा भजा लिया, लेकिन मुझे तो कोई मिला ही नहीं भैया। और ये बेहद बन है, यहाँ तो कोई मनुष्य दिख ही नहीं रहा है। एक ये सामने से आ रहा है कोई, ये प्रजापत भगत जी आ रहे हैं। अब ऐसे क्या पता है, इनसे पूछो मत, इनने कहीं देखो। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, प्रजापत भगत जी राम राम। हेलो संजय यादव, संजय यादव सुपुत्र स्वर्गीय छत्रपाल सिंह यादव, अगर मेरी आवाज को सुना हो तो अपने घर पहुंच जाए। संजू एंड संजय, अगर मेरी आवाज सुने हो तो अपने घर चले जाए, उनके घर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है। और भैया जो भी पैसे दे वो हमारे हाथ में नहीं जाए, थोड़ी देर यहाँ देखो। देखिए मेरा कहना है सभी से, ज्यादा नहीं आधे घंटे की बात है, अगर थोड़ी बहुत देर ढोला सुनो सही, और ऐसे ही देता रहे तो हम लगा बना, क्योंकि जनता भी आती है इसीलिए आती है, थोड़ा मनोरंजन हो। रुपए थोड़े बंद कर ले आप, नहीं यहाँ देते रहे रुपए, यहाँ नाम बोल जाएंगे छाप हम लगा देंगे। भैया भैया राम राम। राम राम भगत जी, आपका शुभ नाम इत्याजा। शुभ नाम मोते प्रजापत भगत जी कहते हैं। अरे भगत जी, हाँ आप यहाँ कितनी देर से हो? मैं तो सुबह 4 बजे आया तो और शाम को जाता। अरे आप सुबह क्या आए हुए हो? हाँ मेरे 3 बजे थे दोनों बेटा। चले गए कौए पतो, अगर बता दो बेटन को भगत जी प्यारे तो जोर रो हाथ पतो कौ बेटन को बता दो। इन्हें की बराते बछा रहे आई, इन्हें के लिए टाइम है दोनों, बहन जो मैं बता दें तो मुझे इतने हुआ जालन खाई पीछे मौत पर जबत भगत जी की आई। भैया मुझे पता है इसने देखा है, भैया मुझे मालूम पड़ रहा है। और एक काम करो, इसे थोड़ा बहुत लालच दो, मत लालच में आके बताएगा। हाँ छोड़, 20 मोहरे जाके जेब में ही डालो। आए भगत जी इधर आओ, ले बताइए। एक बात है, तुमने हमारी जेब में 20 मोहरे डाली, बता दो देंगे फिर मोर रहने नहीं देगी। हाँ एक बात है, अरे दोनों
अब वो हमें मिलेंगी कैसे, कहाँ जाए? ये भी बात तुम्हें बताएंगे। बताओ क्या थोड़ी दूर यहाँ से कमंका मैया का मंदिर है। मंदिर है वहाँ पे आती हूँ आचार्य बेटे को पता चल जाएगा। अच्छा हाँ थोड़ी दूर थोड़ी दूर। भगत जी पहुंचे गौ देवी कमल घस मंदिर कैसे मिलेंगे जल्दी बता दे। बेटा चले गए दो यार, ये बोल तेरे से माने मेरी दोनों बेटाओं की चोरी हो गई। राजा नल तू व्याकुल मत हो, पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं बता सकती हूँ। तू अपने यार मनसुख के लिए भेज देना, जो भी बात है मैं तेरे यार मनसुख के लिए बता दूंगी। मुझसे बात नहीं करेगी तू? नहीं, तू अपने यार मनसुख के लिए भेज दे, मैं बरनाव का पता बता दूंगी। लेकर के बाहर आएगो मंदिर दे झाका भैया मनसुख ठाड़ो भैया भैया। मुझसे देवी माँ ने बात नहीं करी। क्या कहा माँ ने? कहा मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, तू अपने यार मनसुख के लिए भेज, उससे ही बात करूंगा और उससे ही मैं बताऊंगी। भैया भैया मुझे ये लग रहा है कि तो कुछ ज्यादा ही दाल में काला है। आप जाओ और कुछ क्या ना क्या कहोगे? क्या कहूँ? अरे बड़ी गली में भैया तने पे नहीं बोले तो मैंनी मां हिला दूं को मंदिर की। ऐसी अब भेंकम बहुत जाए मंदिर दे एक एक दच्चा कच्चो मठिया की चाकिया you
भैया क्या बात है उस्ताद, ये लाल सिंह, हाँ सामने ही बोल दे रहा हूँ, लाल करण स्टूडियो शिकारपुर की तरफ से ये 20 रुपया मेरे लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। देवी मैं कहने लगी आज मैं मनसुख की जांच करके देखूंगी, मनसुख राजा नल का सच्चा यार है या मुंह मांगा यार है, ए मनसुख क्या बात है माँ तेरे इस बारे में। मेरी बारात रुकी हुई थी, दोनों बनाओ की चोरी हो गई, माँ अगर तेरे लिए सब कुछ मालूम भी होते हुए तब भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मनसुख कहिए, वरना तो तेरे दोनों मिल जाएंगे फिर, पर तुझे मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्त है माँ? तेरे दोनों वरना मिल जाए तो उनमें से एक वरना की भेंट चढ़ानी होगी। नहीं माँ, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता माँ, तो भाभी दुमैती निपुती हो जाएगी, याद अगर किशन लाल की भेंट में तुझे चढ़ाऊंगा मां तो भाभी चबेला की गोद खाली हो जाएगी। मुझे इतना बेबस मत कर मां कि कोई दुनिया पे तेरा नाम भी नहीं ले। अगर तू इस बात से राजी नहीं है तो मैं तेरे लिए अकल बताती हूं। बताइए, जो तेरी घरवाली पर तेरा बेटा है श्याम बिहारी, अगर बरनाव की भेंट नहीं देगा तो तू अपने बेटा की ला करके भेंट चढ़ा दे, मैं तुझे बरनाव का पता बता दूंगी। माँ ये बात तेरी सत्य है, और दोनों आदमी आंखों से आंसू नहीं डालोगे, अगर आंसू डालोगे तो मैं भेंट के लिए मंजूर नहीं करूंगी। माँ ऐसा पृथ्वी पे कौन सा मनुष्य होगा, मानव जाति में ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अपने बेटे ही के ऊपर तलवार चलाए और उसकी आंखों से आंसू ना निकले। मां एक बात बताऊं तेरे लिए? बता। ये बहुत कठिन परीक्षा है तेरी, और सुन मैं अपने बेटे की भेंट तुझे चढ़ा सकता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो हाँ कर या ना कर। मैं मंजूर है मेरे लिए, जा तो तू अपने बेटा की भेंट चढ़ा दे, मैं तेरी भरनाओ का पता बता दूंगा। हाँ एक बात है, यहां से नरवर शिया निवाना काफी दूर है माँ, मैं वहां तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता हूँ? तू जा करके अपने यार राजा नल से कह देना, अपने यार राजा नल का वीर बछेड़ा ले जाना, और तेरे लिए मने नहीं करेगा। मने नहीं करेगा माँ, और एक घंटे में तेरी भेंट चढ़ानी है। हाँ एक घंटे के अंदर अंदर मेरी भेंट चढ़ जानी चाहिए। हे करता करके मनसुख राजा नल के पास आ गया। भैया भैया क्या कहा माने? माने जो भी कहा वो सत्य कहा है, पर मेरा आपसे कहना है। क्या? मेरे लिए तेरा घोड़ा चाहिए थोड़ी देर के लिए। भाई पागल तो नहीं हो गया है तू? क्यों? ये उनमें का बछेड़ा छोड़ दिया जो मन करे सोई चढ़ बैठे। क्यों? पहली सवारी जा पहले वो रोक सकी, दूसरी सवारी जा पे देव इंद्र की, तीसरी सवारी जा पे राज इंद्र की, चौथी लिखिए
भैया, तेरे लिए मैं पीर बछड़ा नहीं दे सकता हूँ भैया। हाँ पूछ भैया, एक काम करता हूँ, पहले वीर बछेड़ा से बात करूंगा, उसके बाद तुझे बताऊंगा। तू बात कर ले, बैठिए। ए वीर बछेड़ा, अगर तेरी पीठ पे सवारी नहीं है तो तेरी पूंछ पे तो सवारी है। पूंछ पे एक बात है, आज तुम पे मुसीबत है तो वो मुसीबत मुंह पे भी है। अगर त्यारो कार्य सिद्ध हो जाए, तुम्हारा यार मुझे मांग रहा है, मैं जाने को तैयार हूँ। अगर पीठ पे नहीं बैठने दूंगा, पूंछ पकड़ के लटक जाए। ये बात सही है। हाँ। तू खड़ा हूँ मैं मनसुख भैया के लिए बात कर रही, बताऊं? ए भैया, भैया, मैंने वीर बछेड़ा से बात कर ली है। कह दिया? हाथ में हाथ धोला के देलो। जैसो ले जाए रो तैसो ले ये। तेल के अंबर में झुला दिया या झटका लगा दिया तो यार मेरा जमीन पे होगा और तू आसमान में होगा। तुम कह रहे हो मुझे धोखो दे के और मेरे यार को कहीं गमाया गए, तो यार तू चलो जाओ, तू चलो जाए। पकड़े पूछ सुने मेरी अबारे बेटी। आप सब कैसा करिए, मैं भैया, भैया आप एक बात बताइए, कहाँ जाए रे मोको बताए दो। आपके लिए एक घंटा को मुझसे पाए दो कर रहे बताऊंगा। क्यों? नहीं अभी नहीं बताऊंगा, इतना बता सकता हूं कि मैं तेरे पास एक घंटे में आ सकता हूं। एक घंटा तक तेरी आस दे भंगो, भैया ने बन जाओ ओ मेरे पीर, हाथ में तेरे लोग
वीर बछेड़ा आप यहीं गेट पे खड़े हो जाओ। गेट पे खड़ा रहूंगा जब तक तू ना आएगो, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। मैं वादा करके आऊंगा एक घंटा में तुझे राजा रानी से मिलाना है। जी आप बैठिए और मैं रानी साहब के लिए। हाँ बोलिए सर। हाल है 200 रुपया श्रीपाल सिंह सपुत्र स्वर्गीय श्री उदल सिंह निवासी कोठा। 100 रुपया नन्नी बुआ निवासी कोठा। 21 रुपया पायल गुप्ता पुत्री अवधेश गुप्ता निवासी कोठा। 20 रुपया सौरभ यादव सपुत्र मनवीर सिंह यादव निवासी अंबियापुर। 20 रुपया भूपेंद्र यादव निवासी गणपुरा डिस्ट्रिक्ट संभल। 20 रुपया केशव कुमार निवासी कोठा। 20 रुपया ब्रह्म किशोर निवासी कोठा। 100 रुपया